गति की सार्थकता और महत्ता तभी है जब दिशा निर्धारित हो, नहीं तो ये सारी कोशिश बेकार हो जाती है। अगर दिशा सही नहीं है और गति बढ़ाई जाए तो आप गलत जगह पर जल्दी पहुंच जाएंगे। गति से पहले दिशा, कुशलता से पहले प्रभावशीलता, प्रबंधन से पहले नेतृत्व। इससे पहले कि आप अपने लक्ष्यों की यात्रा पर निकलें, अपने जीवन का एक मिशन बनाएं। याद रखिए, लक्ष्य आपके मिशन में से ही पैदा होते हैं। अपने आप से पूछिए कि अपने बाद आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। तब आप जो करना होगा उसके बारे में स्पष्ट हो सकेंगे। यदि आपके जीवन के मिशन के साथ साथ आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपके लक्ष्यों में से ही आपकी प्राथमिकताएं निकलती हैं, तो ज्यादातर आप उन क्रियाओं में व्यस्त होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बहुत बड़ी हाँ नहीं है, तो आप अपने आप ही तथा बुद्धिसंगत व्याख्या द्वारा उन कार्यों में लगेंगे जो न तो आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाती हैं और न ही आपको सही संतोष देती हैं। वास्तव में प्रसन्न रहने का रहस्य है अपने मिशन से जुड़े कार्यों में व्यस्त रहना। हमारी मूल प्रकृति प्रसन्नता की है। केवल जब हम अपने जीवित रहने के कारण से बेताल हो जाते हैं, हम अप्रसन्न और व्यथित होते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, जब आप किसी महान उद्देश्य अथवा असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं तो आपके सारे विचार अपनी सीमा तोड़ देते हैं। आपका दिमाग सीमाओं को पार कर जाता है, आपकी चेतना प्रत्येक दिशा में विकसित होने लगती है और आप अपने आप को एक नई महान और आश्चर्यजनक दुनिया में पाते हैं। सोए हुए बल, शक्ति और योग्यताएं सभी सक्रिय हो जाती हैं और आप अपने आप को ऐसे बेहतर व्यक्ति के रूप में पाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी न था। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उन लक्ष्यों को लिख लीजिए। लिखने से आप कटिबद्ध होंगे और स्पष्टता भी बढ़ेगी। लक्ष्य निर्धारण से आप आपके उच्च मूल्य के कार्यों का निर्णय कर पाएंगे। इन कार्यों पर डटे रहने से आप अधिक प्रभावशाली और सफल होंगे। सफलता निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति है। लक्ष्य बनाने से आप काल्पनिक दुनिया से निकलकर वास्तविकता की ओर बढ़ पाएंगे। लक्ष्य हमेशा ऐसे होने चाहिए जिन्हें नापा जा सके, जो संभावित हों, जो खींच कर बनाए हों, समय बाध्य हों, उत्साह से भरे हों और यथार्थ हों। यदि जीवन की तुलना एक चक्र या पहिए से की जाए तो कुछ क्षेत्र केंद्र पर और कुछ परिधि पर माने जा सकते हैं। केंद्र पर शरीर, मन और आत्मा की कल्पना की जाए तो इन क्षेत्रों के विकास से ही पहिए की शक्ति बन पाएगी। परिधि के क्षेत्र व्यवसाय, परिवार और समाज मानने से हम पाएंगे कि इन क्षेत्रों में हमारा जीवन बाह्यमुखी होता है। इन सब क्षेत्रों में ध्येय बनाने और सफल होने में हम परिपूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं।